इस शहर के साथ मैं दाव देना। ये जो डिपार्टमेंट है इसने ये दिखाया है कि इस तरह के दूर दराज इलाके में भी जब सड़क पहुंचानी हो, जब डिपार्टमेंट ठान ले तो वह पहुंचा सकता है और इसी तरह से आगे भी जो है सड़कों का काम यहाँ पर जारी रहेगा। इसी के साथ मैं पहले जो यहाँ पे इश्यूज उठाए गए उनकी बात करना चाहूंगा। कुछ हमारे स्पीकर इमोशनल भी हो गए, वो सवाल भी पूछ रहे थे, अब वो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी कोई भी एरिया होता है, जब जैसा कहा जाता है कि ऊपर वाला उस शख्स के उस इलाके के हालात नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने हालात ना बदलना चाहे, तो ये जो यहाँ के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पीआरआईज हैं, पंच सरपंच है, बीडीसी है, डीडीसी है, इनको इस चीज की मैं बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इनकी बहुत मेहनत रही है इस एरिया को अपलिफ्ट करने में और हमारे तक वो बातें पहुंचाने में। और वक्तन फवक्तन हमारे दफ्तर में इस तरह के ब्लॉक दिवस में ये हमारे पास आते रहे, यहाँ की बात रखते रहे और उसी का नतीजा है, अदरवाइज एक डिवाइड रहता है। और यही मकसद है पीआरआईज का होने का कि जो एक गैप है डेवलपमेंट में, लोगों में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, तो वो अपनी बात वहां पर रख सके। नबार्ड के अंदर 4.5 करोड़ का डीपीआर जो सबमिट किया गया है, जिसमें जल्द ही अप्रूवल आके काम शुरू हो जाएगा, जिसमें दक्की, केटसन, आलूसा, शेख मुकाम, गनाई मोहल्ला, हलमतपुरा, ये सारे जो लिंक रोड्स हैं जिनकी डिमांड्स पिछले टाइम पे रखी गई हैं, वो सारी की सारी